हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस कि आप सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क कर रहे होंगे। गाइस ये मेरा फायर बेस के अंदर सेकंड वीडियो है, ठीक है। और ये सेकंड वीडियो किस टॉपिक के ऊपर, वो मैं आपको पहले बताऊंगा कि मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने क्या किया था कि डेटाबेस के अंदर कैसे सेव करना है वो मैंने बताया था। उसके बाद मुझे कमेंट आई थी बहुत सारी, पर वहाँ पर मुझे कमेंट आई थी कि इमेज को कैसे अपलोड एंड डाउनलोड करना है। तो मैंने सोचा यार ये भी अच्छा है, तो ये वीडियो जो है वो इसके ऊपर ही है कि हम कैसे इमेज को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज ये करने वाले हैं। सो मेरी सबसे पहले आप सबको यही रिक्वेस्ट है कि पहले प्लीज़ आप ये वीडियो देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नया नहीं क्रिएट करने वाला हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है और फायरबेस के अंदर जो प्रोजेक्ट है वही मैं यहाँ पे क्रिएट कर वही मैं से डायरेक्टली मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ। ये जो प्रोजेक्ट था वही फर्स्ट वीडियो वो, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट वीडियो है उसको अच्छे से देखना, उसको अच्छे से कर देना, पहले कोड उसका पूरा कोड कर देना, उसका प्रोजेक्ट अच्छे से फायरबेस में क्रिएट करना, उसके बाद यहाँ पे आना, तो ही आपको समझ में आएगा। इसलिए तो यहाँ से ही अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, पहले इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। और यहाँ पे ये जो हमने एंड किया था फर्स्ट पार्ट में, तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो आज हम करने वाले हैं कि हम इमेज व्यू लेंगे, उसके क्लिक के ऊपर हम गैलरी को ओपन करेंगे, देन जो इमेज हमने पिक की होगी उस इमेज को हम फायरबेस के अंदर स्टोर करेंगे, मीन्स के अपलोड करेंगे, वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाते हैं और इमेज व्यू ले लेते हैं। इसको मैं थोड़ा नीचे रख देता हूँ, कमांड शिफ्ट एल, इमेज व्यू ये रहा, इसको सेंटर कर देता हूँ एंड इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, क्योंकि अभी कोई इमेज नहीं रखने वाला मैं, तो इसको रेड कर देते हैं एंड इसकी आउटलेट बना देते हैं इमेज व्यू की। यहाँ पे इमेज व्यू है, ड्रैग एंड ड्रॉप My image view, great। अभी जाते हैं व्यू कंट्रोल में। आप सबको पता ही होगा गाइस कि इमेज की एक्शन नहीं होती, तो उसके ऊपर हमें टैप करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो टैप जेस्चर के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले टैप जेस्चर का कोड लग देते हैं, टैप जेस्चर, जेस्चर इज इक्वल्स टू UI tap gesture recognizer, then my image view dot user interaction, क्योंकि enable होना चाहिए वो, कि हम कुछ भी क्लिक करें तो वो enable होना चाहिए। then वो image के ऊपर डायरेक्ट है अपना gesture add करना है अभी, add gesture recognizer, कौन सा जो हमने tap gesture अभी यहाँ पे बनाया वो। उसके बाद tap gesture की method होगी कि वो call होगी, जब टैप के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ एक मेथड बना देते हैं उसके लिए। तो एक फंक्शन यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ओपन गैलरी, क्योंकि हमें वही करना है। सो यहाँ पे टैप जेस्चर यूआई टैप जेस्चर रिकॉग्नाइजर, गुड टू गो। अभी टैप जेस्चर में ऐड कर देते हैं पहले तो टारगेट को, तो टैप जेस्चर डॉट एड टारगेट सेल्फ एंड एक्शन हैज सिलेक्टर, गुड। देन व्यू कंट्रोलर डॉट ओपन गैलरी, गुड टू गो। एंड यहाँ पे मैं प्रिंट यहाँ पे कर देता है पहले तो, कि हाय लिख देते हैं या हेलो लिख देते हैं, सो हमें पता चले कि एटलीस्ट क्लिक वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वो पहले देख लेते हैं। अगर ये सब आपको पता होगा, पता है टैप जेस्चर और इमेज पिक कैसे करना है वो सब पता हो, तो प्लीज़ इसको मत देखना, स्किप कर देना और थोड़ा आगे चले जाना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उसके बाद में गैलरी ओपन करके सिर्फ इमेज को क्लिक के ऊपर लाने ही वाला हूँ, सो वो बेसिक ही है, तो वो ही करने वाला हूँ मैं। ये थोड़ा टाइम लेगा रहने में, ओके। जब तक ये होता है तब तक एक काम करते हैं, हम इमेज का स्टार्ट कर देते हैं पिकिंग का। तो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन बना देता हूँ व्यू कंट्रोलर, और जैसे कि आप सबको पता ही होगा इमेज पिकर कंट्रोलर की डेलीगेट हमें देनी होती है, और नेविगेशन की, क्योंकि वो नेविगेशन होगा वहाँ पर। इसलिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ कि सेटअप इमेज पिकर, आई थिंक वो हो गया, सॉरी। अभी रन हो गया था, हाँ। सो इमेज की क्लिक के ऊपर अभी हेलो प्रिंट होके आ जाना चाहिए, पहले तो इतना हो जाना चाहिए। अभी चा यारा
ये रहा हेलो, ओके वर्किंग, ठीक है। अभी इफ यू आई इमेज पिकर कंट्रोलर डॉट इज अवेलेबल, सोर्स टाइप अवेलेबल, कौन सी तो मुझे चाहिए सेव फोटो एल्बम वाले, देन अपने को पहले तो इमेज पिकर का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इमेज पिकर इज इक्वल्स टू यू आई इमेज पिकर कंट्रोलर, गुड। अभी वो वेरिएबल का यहाँ पे यूज करेंगे इमेज पिकर डॉट, पहले तो टाइप कौन सी चाहिए तो मुझे यहाँ पे फोटो वाले चाहिए, देन उसकी डेलीगेट सेल्फ देना, हाँ डेलीगेट सेल्फ सेल्फ, देन मुझे उसको एडिटिंग भी करना है तो इज एडिटिंग कर देते ट्रू, और उसको सिंपली प्रेजेंट करना है तो सेल्फ डॉट प्रेजेंट, और यहाँ पे इमेज पिकर एनिमेटेड ट्रू ट्रू एंड कंप्लीशन नहीं चाहिए सुनिए। सो इससे क्या होगा कि अपना गैलरी तो ओपन हो जाएगा, तो वो देख लेते हैं कि अपनी गैलरी ओपन हो रही है कि नहीं हो रही क्लिक के ऊपर, नहीं अभी नहीं होगी क्योंकि इस मेथड को मैंने कॉल तो करना पड़ेगा ना यहाँ पे टैप जेस्चर में, तो सेल्फ सेल्फ डॉट सेटअप इमेज पिकर, सो आई थिंक गैलरी ओपन हो ही जानी चाहिए। तो ये रहा हमारा इमेज, क्लिक करते हैं और ये ओपन हो गया, वाह ओके ठीक है। अभी सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन के ऊपर हमें इमेज यू लाना है, इमेज के ऊपर आ जाना चाहिए जैसे कि अभी क्लिक करते हैं पर कुछ होगा नहीं, यहाँ पे इमेज आ जानी चाहिए। तो उसके लिए इमेज पिकर का डेलीगेट होता है डिड फिनिश पिकिंग मीडिया इन्फो, ओके तो जो भी इमेज सिलेक्ट करेंगे उसको पहले गेट करना है, तो वो सिंपल है इन्फो देन यू आर इमेज पिकर कंट्रोलर डॉट इन्फो की डॉट ओरिजिनल इमेज एज अ, वो होगा यू आई इमेज ऑब्वियसली इमेज ही होगा वो, देन अपना जो इमेज व्यू है उसको हम असाइन कर देते हैं इज इक्वल्स टू इमेज, एंड लास्ट में उसको डिसमिस करना है तो एनिमेटेड ट्रू एनिमेटेड ट्रू एंड कंप्लीशन नहीं चाहिए सुनिए। सो ये जो होगा ये फर्स्ट लाइन मुझे ओरिजिनल इमेज इमेज मुझे दे देगा, उसको मैंने इमेज के अंदर असाइन कर दिया और डिसमिस कर दिया, डिड फिनिश पिकिंग मीडिया वो डेलीगेट की मेथड है उसकी। क्लिक करते हैं, अपने को ये स्टाइलिश बंदा चाहिए और यहाँ पे आ गया, ठीक है अभी एक्चुअल वर्क अभी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपलोड इमेज करना है, क्या करना है वो देख लेते हैं। तो हाँ गाइस, उसके लिए पहले तो फायर बेस स्टोरेज की पोर्ट हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पे पोर्ट इंस्टॉल कर देता हूँ, पोर्ट फायर बेस स्टोरेज देन कमांड स्पेस ओपन टर्मिनल सीडी और ये सब निकाल देते हैं ls ओके पोर्ट इंस्टॉल, क्योंकि हमने पोर्ट वहां पे पहले लिख दिया है, सो इसको इंस्टॉल ही कर देते हैं डायरेक्ट, इसको क्लोज कर देते हैं। हो गया ओपन डॉट, ये रहा इसको ओपन करते हैं, इसको बिल्ड करने रख देते हैं और देख लेते हैं पोर्ट के अंदर, ये रहा फायर स्टोरेज ओके, सो कोई इशू नहीं होगा। अभी व्यू कंट्रोल में जाना है और यहाँ पे एक एक्सटेंशन बना देता हूँ मैं, एक्सटेंशन फॉर व्यू कंट्रोलर, क्योंकि सब एक्सटेंशन बना के अलग अलग अपनी तरीके से लिखे तो अच्छा है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ अपलोड इमेज, सबसे पहले तो इमेज होगा तो इमेज वो होगा इमेज यू आई इमेज, देन कंप्लीशन यहाँ पे बनाना पड़ेगा एट द रेट एस्केपिंग वो होगा URL, क्योंकि मैं वहाँ पे URL पास करूँगा, URL गारंटी नहीं है कि URL होगी होगी तो इसको ऑप्शन ही रखते हैं, अभी कई बार URL नहीं हुई तो क्रैश हो जाएगी अगर डायरेक्टली ऐसा कर दिया मैंने, तो मैंने यहाँ पे कंप्लीशन बनाया वो URL मुझे रिटर्न करेगा और इमेज मेरे को यहाँ पे डालना है, ठीक है। सबसे पहले लेट स्टोरेज रेफरेंस इज इक्वल्स टू स्टोरेज डॉट
स्टोरेज डॉट स्टोरेज रेफरेंस सॉरी सी रेफरेंस डॉट चाइल्ड और यहाँ पे मैं लिख दूंगा माई इमेज डॉट पी एन जी। अभी सबसे पहले ये लाइन का मीनिंग आपको मैं बोल देता हूँ क्या है। देखो स्टोरेज क्या करेगा गाइस, Firebase is a service that support uploading and downloading binary objects such as image, video and other files to Google Cloud Storage. हमें यहाँ पे इमेज अपलोड करना है, सो इमेज अपलोड करने के लिए मुझे स्टोरेज का यूज करना पड़ेगा। अभी तीन चीज है वो याद रखना। Firebase के अंदर क्या होता है गाइस कि एक डेटाबेस होता है और एक स्टोरेज होता है। डेटाबेस के अंदर रियल टाइम एंड क्लाउड दो होता है और स्टोरेज अलग से होता है। मीन्स के वो दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ऑप्शन है दो, डेटाबेस और डेटाबेस के अंदर आप देख रहे हो क्लाउड फास्ट और रियल टाइम, जो अभी हम रियल टाइम यूज कर रहे हैं, और ये स्टोरेज है। स्टोरेज के अंदर क्या होगा कि फाइल होगी, जो भी यूआरएल होगी उसकी फाइल होगी। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैंने क्यों लिखा, सिर्फ मैंने यही नाम क्यों लिखा माई इमेज डॉट पी एन जी। ऐसा नहीं है मैं कोई भी लिख सकता हूँ, मैं जो ये इमेज अपने जो हमने गेट किया उसको मैं पी एन जी में ही कन्वर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। उसलिए मैंने वहाँ पे पी एन जी लिख दिया। नाम आपको जो भी नेम वहाँ पे माई इमेज का कुछ भी आपको देना वो दे देना। वो नाम क्यों लिखा है वो जब प्रोजेक्ट फिनिश होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा फायरबेस में जाके कि ये नाम कहाँ पे शो हो रहा है और क्यों लिखा है मैंने, ठीक है। इतने तक रखते हैं। अभी लेट इमेज, इमेज का मुझे डेटा चाहिए, डेटा क्योंकि डेटा में कन्वर्ट करके हम यूआरएल बनाएंगे उसकी। तो जो भी मेरी इमेज व्यू होगी, इमेज व्यू डॉट इमेज डॉट पी एन जी डेटा, और आप डायरेक्टली इस इमेज को भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पे वही पास करने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, पर इमेज डॉट पी एन जी डेटा भी कर सकते हो। लेट मेटा डेटा इज इक्वल्स टू स्टोरेज मेटा डेटा, ठीक है। अभी वो क्या करता है वो भी देख लो, विच रिप्रेजेंट वेट, इसको थोड़ा ऐसा कर देते हो। अरे यार ये यार ऐसा करेगा यार। ओके सो क्लास विच रिप्रेजेंट द मेटा डेटा ऑन एन ऑब्जेक्ट इन Firebase स्टोरेज, दिस मेटा डेटा इज रिटर्न ऑन सक्सेसफुल ऑपरेशन एंड कैन बी यूज टू रिट्रीव डाउनलोड यूआरएल कंटेंट टाइप एंड एफआईआर स्टोरेज रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट टाइप है और यहाँ पे डाउनलोड यूआरएल जो मुझे वो रिटर्न करके देगा, तो दोनों का हमें यहाँ पे यूज करना है। जो भी इमेज होगी उसकी यूआरएल मुझे मेटा डेटा ही देगा, और उसको कंटेंट टाइप कौन सा रखना है वो भी हम देख लेंगे। इसको अभी जैसा था वैसा यहाँ पे कर देता हूँ। तो अभी मेटा डेटा का यूज कैसे करना है, तो मेटा डेटा डॉट जैसे कि आपको पता है टाइप, तो उसका टाइप में ये ऑप्शनल है, वैसे तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि इमेज स्लैश पी एन जी, क्योंकि मैंने इसको पी एन जी में ही कन्वर्ट किया, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज रेफरेंस डॉट पुट डेटा एक मेथड होती है उसकी, ये असिंक्रोनसली अपलोड डेटा टू द करंटली स्पेसिफाई एफ आई आर स्टोरेज रेफरेंस, दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर अ लार्ज फाइल एंड वन शूड इंस्टेड अपलोड अ फाइल फ्रॉम डिस्क। सो इसको एफ आई आर स्टोरेज मीन्स के स्टोरेज में डालने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा। तो हो गया, अभी डेटा हमें कौन सा डालना है वो, तो अपने आई एम जी डेटा जो हमने बनाया वो, देन मेटा डेटा जो हमने बनाया वो भी बना दिया, उसको यहाँ पे डाल दो। कंप्लीशन है ओके, सो मेटा डेटा एंड देन एरर, यहाँ पे मेटा डेटा में डी स्मॉल है ओके। सो इफ एरर इज इक्वल्स टू नील हो, दैट मीन्स प्रिंट सक्सेस एंड कंप्लीशन यहाँ पे नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने दिखाया था आपको। एक और बार दिखा देता हूँ, दो चीज़ थी वहाँ पे, एक कंटेंट, अरे यार ये बहुत कर रहा है यार आज, मेटा डेटा में दो थी, एक था डाउनलोड यूआरएल और एक कंटेंट टाइप, ठीक है। तो कंटेंट टाइप का मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया, अभी डाउनलोड यूआरएल का यूज़ करेंगे। फिर से यहाँ पे आ जाओ ओके, सो नाउ डॉट डाउनलोड यूआरएल, अभी ये मेरे को यूआरएल डाउनलोड करके दे देगा। तो कंप्लीशन में यूआरएल एंड एरर, सो ये सक्सेस है। सो कंप्लीशन के अंदर मैं सिर्फ डायरेक्टली यूआरएल पास कर देता हूँ यहाँ पे, जो भी यूआरएल होगी वो, दैट्स इट ओके। एंड यहाँ पे अल्टर प्रेस करना, और इस तरीके से आप देख सकते हो कि ब्रैकेट कहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो यहाँ पे अगर एरर होगी तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ एरर इन सेव इमेज, एंड कंप्लीशन में यहाँ पे दे दूंगा नील।
अब कंप्लीशन जब लिखोगे ना तब वहाँ पे दिखेगा URL, वो URL ही लेगा, तो URL वहाँ पे डाल दो। ओके गुड, ये अपलोड इमेज का हो गया। अभी जिसने भी पहला वीडियो देखा होगा, देखना ही पड़ेगा ओके, वरना नहीं समझ में आएगा। तो सेव इमेज जब हम करते थे तब हमने यहाँ पे टेक्सपिल की टेक्स्ट और ये योगेश करके मैंने लिखा था नहीं, उसको हमने डिक्शनरी के अंदर स्टोर किया था, ये था। तो उसको मैं यहाँ से निकाल ही देता हूँ और इसका मैं यूज करने वाला हूँ, इसलिए ठीक है। अभी ये हुआ अपलोड, अपलोड इमेज कर दी, अभी सेव तो करना है ना, तो उसके लिए एक और फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको कि सेव इमेज देन। उसके लिए क्या होगा, पहले तो टेक्स्ट फिल की टेक्स्ट मुझे चाहिए कि कोड टेक्स्ट क्या होगी, तो नेम वो होगा टेक्स्ट सॉरी स्ट्रिंग में होगा देन प्रोफाइल URL, जो ये URL हमें मिली वो URL, ठीक है, ये URL हमें मिली वो, तो वो होगा यहाँ पे, उसका टाइप होगा URL, देन कंप्लीशन होगा, तो यही कंप्लीशन में यूज करने वाला हूँ। ओके वेट, ये मैंने गलत किया, यहाँ पे कंप्लीशन इस तरीके से होगा, ठीक है, हाँ तो ये कंप्लीशन मैं ले लेता हूँ क्योंकि मुझे लिखने नहीं वाला, मैं डायरेक्टली उसे यूज करूंगा, इसलिए वो आपको भी बताता हूँ कैसे यूज करना है उसको। ओके फाइन, अभी इसको करना है कॉपी, करना है पेस्ट, दैट्स इट, ऑल गुड। यहाँ पे सिर्फ ऐड होगा अपना URL, सो प्रोफाइल मैं की बना देता हूँ, प्रोफाइल URL वो होगा हमारा जो URL होगा पैरामीटर में, वो है ना URL, ओके प्रोफाइल URL लिखा है मैंने नाम, प्रोफाइल URL डॉट एब्सोल्यूट स्ट्रिंग, एब्सोल्यूट स्ट्रिंग स्ट्रिंग चाहिए मेरे को, और वो डिक्शनरी होगी एज अ की, तो स्ट्रिंग में ही है बट वो URL भी है, स्ट्रिंग भी है, सो एनी, ठीक है, और डिक्शनरी यहाँ पे मैंने वैल्यू सेट कर दी बरोबर। अभी अपलोड इमेज और सेव इमेज दोनों को हमें यूज करना है। ओके सो उसको हम यहाँ पे सेव करेंगे बटन की सेव के क्लिक के ऊपर, सो ये मेथड कॉलोगे तो यहाँ पे ही करेंगे, तो सेल्फ डॉट अपलोड इमेज, यहाँ पे इमेज व्यू अपना डालना है, सेल्फ डॉट माई इमेज व्यू डॉट इमेज कंप्लीशन, मुझे इस तरीके से नहीं यूज करना इसलिए मैंने वहाँ पे ऐसा कर ब्रैकेट मैंने ऐड कर दिया था, तो ये मुझे URL रिटर्न करेगा, ठीक है, हमें पता ही है अपलोड इमेज हमें क्या रिटर्न करेगा, URL रिटर्न करेगा, तो मैंने डायरेक्टली URL इन कर दिया। ओके अभी यहाँ पे सेल्फ डॉट सेव इमेज, अपने पास URL आ गई है, ये होगा जो हमारा टेक्स्ट फिल होगा, वो टेक्स्ट फिल की टेक्स्ट होगी वो, तो txt टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट एंड URL, ये URL, ये कंप्लीशन मुझे नहीं चाहिए इस तरीके से, सक्सेस इन इफ सक्सेस नॉट इक्वल टू नेम देन जस्ट पॉइंट ये यस ओके इतना बस, इतना ही था। ओके ओके तो एक बार इसको देख लेते हैं कि सही में वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद फिर आपको समझा दूंगा एक और बार कि एक्चुअल में हुआ क्या है। लेट्स प्रे कि हो जाए वो, अपने वो स्टाइलिश इमेज ही सिलेक्ट करनी है, वो मस्त इमेज है वो। क्लिक करते हैं, ईमेल सिलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं फायर डेज यूट्यूब इमेज, इसको कॉपी रखते हैं, मेरे को पता नहीं ब्रेक भी हो जाए, सेव करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ये मेरे को क्या बोल रहा है वो देखना पड़ेगा, सक्सेस क्या बात है।
मीन्स का सेव हो गया यार, क्या बात है, हो गया, सही है। रियल टाइम में जाते हो? फार बेस यूट्यूब इमेज, ये मैं गुड। ओके तो इसको कॉपी करते हैं, ये मस्त है यार। इसको कॉपी ऐसे नहीं कर सकते, एक तक जाते हैं, स्टोरेज में जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, सही है सही है। इसको ओपन करते हैं, देखा ये आ गया। और अभी मैं आपको बताता हूं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, माई इमेज डॉट पी एन जी ऐसा ही कुछ लिखा था मैंने, माई इमेज डॉट पी एन जी मैंने लिखा था। वो क्यों लिखा था गाइस, क्योंकि देखो यहाँ पे आ गया माई इमेज डॉट पी एन जी। तो स्टोरेज के अंदर आपको जो भी नाम रखना है ना, इसके लिए मैंने वहाँ पे लिखा था कि माई इमेज डॉट पी एन जी, ठीक है। तो उस तरीके से स्टोरेज के अंदर ये सेव हो गया। अभी उसकी फाइल की लोकेशन देखते हैं यार, ये रहा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, कॉपी हो गया। अभी इसको आप पेस्ट कर दो गूगल में, वो अपनी इमेज दिखेगी स्टाइलिश वाली यार, ये। सो ये अच्छे से सेव हो गया है। सो ठीक है, तो बहुत इजी था, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस उसके अंदर मैनेज करना है कि स्टोरेज क्या है, किस तरीके से उसको करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, एक और बार करते हैं यार, एक और बार करते हैं, चलो यहाँ पे डिफरेंट नाम लिखते हैं, फायर बेस सेकंड टाइम, ठीक है, सेव कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, डिसकनेक्ट तो नहीं हो गया ना कनेक्शन। ओके, एक और बार यहाँ पे सक्सेस आ गया, ये रहा सक्सेस, दो बार आ गया, ये सक्सेस फर्स्ट टाइम और ये सेकंड टाइम। सो अच्छा है यार, सही चल रहा है, मीन्स कि वो स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये रहा फायर बेस सेकेंड टाइम, क्या बात है। अभी स्टोरेज में जाते हैं, और माय इमेज से ही वो स्टोर हुआ होगा, क्योंकि हमने माय इमेज ही वहाँ पे दिया है नेम, इसलिए तो वही होगा वो, तो ठीक है, इमेज तो वही होगी, बट यहाँ पे उसकी यूआरएल डिफरेंट होगी। ओके सो व्यू करते हैं रियल टाइम में, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर परमिशन की एरर किसी को आए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आएगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे चेंज किया था जब मैं डेमो बना रहा था, तो आप स्टोरेज में जाना, रूल्स में जाना, ठीक है। उसके अंदर रूल्स में क्या लिखा होगा वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसा लिखा होगा कि इफ रिक्वेस्ट नॉट इक्वल टू नल, ऐसा यहाँ पे लिखा होगा, तो उसके हिसाब से आपको आई थिंक परमिशन की एरर आएगी जब प्रोजेक्ट आप बनाओगे तब। तो यहाँ पे ये कर देना, वो निकाल देना, और यहाँ पे ये कर देना, अलो रीड राइट कर देना, सिर्फ उसको निकालना ही है, वो देख लेना अगर एरर आई तो, ठीक है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अभी जो तीसरा पार्ट होगा उसके अंदर हम क्या करने वाले, कि जो भी इमेज हमने सेव की है, और हमने स्ट्रिंग भी सेव की है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ हमने सेव किया है यहाँ पे डेटाबेस में रियल टाइम में, तो उसको हमें टेबल में हम गेट करेंगे, उसको सारे जो भी डेटा हमने डेटाबेस के अंदर दो पार्ट में जो भी सेव किए वो सारे को टेबल में गेट करेंगे। ये सभी से सभी डेटा, प्रोफाइल इमेज, ठीक है, ये सब मैं डेमो बना रहा था तब की बात है। सो ये सब फायरबेस यूट्यूब इमेज, फायरबेस सेकंड टाइम, तो ये सारी इमेज की जो यूआरएल है वो, देन नेम और उसका टेक्स्ट फील का जो टेक्स्ट है, वो सारी रियल टाइम में अपडेट भी होगा और गेट भी करेंगे टेबल में। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कि किस तरीके से इमेज को अपलोड करना है, बहुत ईजी है। एक बार कोर समझा देता हूँ, एक और बार, ठीक है, आपको समझ में आ जाए एकदम अच्छे से। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे क्या किया है वो बता देता हूँ, छोटा रहेगा थोड़ा। पहले तो टैप जेस्चर मैंने ऐड किया इमेज के ऊपर, उसके बाद हमने गैलरी को ओपन किया, देन उसको पिक किया। अपलोड इमेज करने के लिए मैंने इमेज एक पैरामीटर लिया और कंप्लीशन लिया, जो मुझको डायरेक्टली यूआरएल रिटर्न कर दे। सबसे पहले तो स्टोरेज का यूज़ करना पड़ेगा, माई इमेज डॉट पी एन जी, आपको अभी तो पता चल ही गया होगा कि मैंने क्यों लिखा था वो, क्योंकि वो नेम स्टोरेज में वो आए इसलिए। उसके बाद जो भी मेरी इमेज हुई है उसके अंदर इमेज तो आ गई होगी, क्योंकि मैंने पिक किया है, उसको मैंने पी एन जी में रिप्रेजेंट कर दिया, पी एन जी में उसका डेटा ले लिया। देन मेटा डेटा का कंटेंट टाइप इमेज डॉट पी एन जी रखा, स्लैश पी एन जी, ठीक है। उसके बाद पुट डेटा करके मेथड है स्टोरेज रेफरेंस की, जो हमने यहाँ पे बनाया वो, उसके अंदर मैंने अपना इमेज का डेटा एंड मेटा डेटा मैंने डाल दिया। देन एरर अगर नहीं होगी तो मेरे को सक्सेस ही मिलेगा। देन स्टोरेज रेफरेंस की डाउनलोड यू आर एल कॉल की, उसके अंदर मेरे को यू आर एल मिल गई, क्योंकि ये सक्सेस है, विच मीन्स कि हमने हमारे पास यू आर एल है। देन वो यू आर एल मैंने कंप्लीशन में पास कर दिया, अगर एरर है तो वो नील पास कर दिया मैंने।
देन मैंने सेम इमेज का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर टेक्स्ट फील की वैल्यू जाएगी एंड जो भी यूआरएल जो हमें यहाँ पे मिला है वो यूआरएल यहाँ पे जाएगा और एक कंप्लीशन में मेरे को फिर से यूआरएल रिटर्न करके दे देगा। सो यहाँ पे हमने डिक्शनरी बना दी, जो भी यूआरएल है उसकी स्ट्रिंग ले ली, एब्सोल्यूट स्ट्रिंग, एंड नेम तो हमने योगेश बाय डिफॉल्ट ऐसा ही लिखा हुआ है, और टेक्स्ट की के अंदर टेक्स्ट फील की टेक्स्ट ले ली और उसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अभी इसको हमने यूज़ कैसे किया वो भी एक बार देख लेते हैं। अपलोड इमेज किया, इमेज जो हमने डाला मेरे को यूआरएल रिटर्न कर दी, फिर सेव इमेज किया, वहाँ पे टेक्स्ट फील की टेक्स्ट डाल दी और ये जो यूआरएल हमें मिला वो यूआरएल वहाँ पे डाल दी और हमें सक्सेस मिला। सो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज को अपलोड करना है। ये तो क्या सिंपल था, वरना तो हमें ऑथेंटिकेशन करके करना चाहिए। तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं पूरा एक साइनअप या लॉग इन पेज ऐसा कुछ करेंगे, इमेज पर्टिकुलर इमेज को कैसे सेव करना है, उसका लॉग इन पेज के अंदर के टेक्स्ट फील की वैल्यू कैसे सेव करनी है, वो सारी चीज़ मैं वहाँ पर बताने वाला हूँ और टेबलों में भी गेट करेंगे, ठीक है। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और बहुत ही अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक दोनों करना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड योर सपोर्ट। बाय गाइस।